के एपिसोड में आप देखेंगे, मही ने इस बार अनाथ दिव्यांग बच्चों के साथ धूम धड़ाके से होली खेलने का मन बनाया, पर अनसुईया ने बिना शोर शराबे के शांति से होली खेलने का फरमान सुनाया। दादी ने अनसुईया को सबक सिखाने के लिए दिया थक्का, पर गलती से अनसुईया के हाथ से नारियल पानी उछलकर मही के सिर पे लगता है। मही की याददाश्त चली जाती है, उसे अब कुछ भी याद नहीं। मही को याद दिलाने के लिए घर वालों को क्या क्या करना पड़ता है, आइए देखते हैं इस एपिसोड में। अरे कल है होली, होली कल है, रंगों का त्योहार है होली। एक मिनट, कल इस साल हम होली नहीं मनाएंगे। आ गई अमरीश पुरी की बहन। लेकिन क्यों सुषमा? क्योंकि इस साल हम हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जी के फार्म हाउस पे जाने वाले हैं। वहाँ शोर शराबा, धूम धड़ाका, तबला तोड़, ऐसे हम होली नहीं मनाएंगे। हम सभ्यता से और शांति से होली मनाएंगे। तो उस शांति में तुझे क्या समाधि लेनी है? सुषमा, सुषमा, हम तो हर साल धूम धड़ाके के साथ होली मैंने एक बार कह दिया तो समझो पत्थर की लकीर। मार उसको बेबली, उसी लकीर वाले पत्थर से मार उसको। ना ना आवे। क्या ना ना आवे? मही, तुम ऐसे चुपचाप शांति से खड़ी रहती तो इतनी प्यारी गुड़िया जैसे दिखती हो। वो तुम्हारे वेरा खड़ी के मेले में मिलने वाली 20-30 रुपए वाली गुड़िया। अच्छा तो मजा आया। पौ ना, मेरा नारियल कहाँ है? सुबह से मंगवाया है मैंने। हाँ मैडम जी, ला के रखे हैं, लेके आते हैं। क्या सोच रही है बेबली? रंग ही तो जीवन में खुशियां लाता है, और सासू माँ होली खेलने से मना कर रही है, ऐसे तो। ले लीजिए मैडम जी, रूम में रख दे। नहीं मुझे दो, तुम जो वो काम कर रहे थे ना साफ सफाई का, वो करो। दो इसको तो मैं। पानी लेके आओ। मैडम ये नारियल में पानी है। जोक था? अच्छा भी नहीं था, मजा भी नहीं आया। जाओ लेके आते हैं। क्या किया तूने? मही, ओह माय गॉड, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बार सब्जी वाला भी ऐसे ही अपने सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था। हमने कहा जैसे भिंडी खोसा जाए 1 किलो दे देना। मही, बेबली, बेबली ठीक है ना? मही, तुम मही हो, वीरा खड़ी तुम्हारे गांव का नाम है, और मैं सागर। तुम्हें याद है हम दोनों मही सागर नदी के पास मिले थे? अरे मही बेटा, भूल गई? याद करो, तुम वही मही हो जो जोर जोर से चिल्ला के बातें करती हो। सागर ऐसे बाजू में हो फिर भी ओ सागर जी ऐसे सब हरकतें करती हो, और तुम वही मही हो जो बिना फोन के अहमदाबाद से मुंबई भी बात कर सकती हो। अच्छा जोक था, मजा आया। वो मही हो तुम। इसको तो मौका ही चाहिए तेरी बुराई करने का। तू उसके तरफ ध्यान मत दे, बेबली मेरी तरफ देख, देख मुझे तो जानती है ना बेटा, ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। और मही, मैं सोनिया, सोनिया जो मस्त ऐसा करती है। इसको तो तू पहचान दी है ना। भाभी याददाश्त आपकी नहीं मही की गई है। हाँ सागर भैया, पर सोनिया को भी तो पता चले ना कि मही सोनिया को कितना जानती है, इसलिए। सोनिया भौजी, मही भौजी की पूरी याददाश्त चली गई है, हमारी तरह पौनी नहीं। आप लोग कौन हो? मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मही, मही, छोड़ो। मही, ये सब बंद करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम ये जो कर रही हो ना वो सब नाटक है, नाटक। अरे घनचक्कर, तूने इसको रुला दिया। बेबली तू उसकी तरफ मत ध्यान दे, मेरी तरफ देख, मुझे पहचान। अरे मैं प्रीतात्मा, दादी सास। ए बेबली देखना इधर, बेबली ए ये क्यों नहीं देख रही मेरी तरफ? बेबली ए, मही, 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 ओहो, मही,
डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा मॉम। ओके, बुलाओ डॉक्टर को। तब तक मैं पार्टी प्रेसिडेंट जी के फार्म हाउस पे जाने की तैयारी करती हूँ। डॉक्टर की जरूरत इसको है और खुद डॉक्टर कैसे हो सकता है ये? आप ये बताइए ना, मही को क्या हुआ है? अरे सागर भैया, पहले इनसे पूछे इनको क्या हुआ है। हमें सब कुछ हुआ है, फ्रैक्चर, हाई बीपी, डायबिटीज, गैस, जुकाम, सब एक साथ। इनको क्या हुआ है मैं बताता हूँ। इनकी याददाश्त चली गई है। तो वापस लाने की कोई गोली दे दीजिए, सिंपल। एक गोली मतलब वो बंदूक वाली गोली नहीं, खाने वाली, कड़वी कड़वी पानी के साथ, वो वाली। याददाश्त लाने के लिए कोई गोली नहीं होती। बताइए आपको कुछ याद है? मेरी माँ नहीं है, मेरी मासी, मेरी मासी ऐसे दिखती है, मेरे पापा वो ऐसे दिखते हैं, और हमारे एक महाराज भी है वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, और वो बार बार ऐसे ऐसे करते रहे। मही, ये तो बेहोश हो गई। इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, मतलब अल्पकालीन समय के लिए स्मृति खो जाना। अब हिंदी की टीचर? हाँ, उर्दू स्कूल में पढ़ती थी वो। प्लीज मुझे भी हिंदी सिखाइएगा। डॉक्टर साहब, याददाश्त कितने समय के बाद वापस आ जाएगी? शायद एक साल में। अरे भाई, सब मिलकर इतना तेज मत चिल्लाओ, मैं डर जाता हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ कम नहीं हो सकता? शायद एक महीने में भी याददाश्त आ सकती है। और थोड़ा कम? 15 दिन। इससे थोड़ा और कम? 1-2 दिन में भी आ सकती है। सोनिया बेटा, प्याज और टमाटर खरीदने आई हूँ, जो भाव कर रही हो। हो सकता है इनकी याददाश्त 2-3 दिन में आ जाए वापस। ये सब आप पर निर्भर है। हम पर? वो कैसे? सबसे पहले इनको खुश रखना है। इन्हें जो चाहिए लाके दे दो, और हो सके तो इनके घर वालों को ले आओ। है वो कैसे होगा? अरे मुझे चक्कर है। अरे ये तो बेहोश हो, ये तो गया। अब मॉम, डॉक्टर जो बोल रहे थे वो करके देखते हैं। पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, कहाँ फंस गई हूँ मैं। ए बेबली, ऐसा क्या करती है, मेरे साथ बात करना। देख, तू ज्यादा नाटक करेगी ना तो मैं निकल जाऊंगी इधर से। हाँ, मैं गायब भी हो जाऊंगी। अच्छा, नहीं देख रही है मेरी तरफ? रुक, मैं गायब भी हो जाती। देख, हवा हवाई। Oh my God, it's too hot. Pack up. कैसा था? अच्छा था ना? मस्त। हीरोइन, हीरोइन, दीदी, बराबर थी ना? बैठो, बैठो, तुम शांति से बैठो। My God. Excuse me, my daughter. बापूजी, आप कहाँ थे? Washington, Obama, Bill Clinton. Many important, but वैसे दिमाग हमार भारी बा, अचानक भोले के बीमारी बा, you know, yeah, yeah, but beautiful lady. Thank you. आए हैं अलाहाबाद से, बनाते हैं सब कुछ, उंधियों, खमन, ढोकला और इडलियां, खा के हमारे हाथ का खाना आप चाटती रह जाएंगी उंगलियां। बड़ों को प्रणाम और देवी को सलाम। देवी जी, कुछ याद आया? नहीं है। अजी जूजू, शांता मासी, मेरी सबसे प्यारी वाली मासी, गरबा वाली। गरबा वाली? हाँ, अरे आप तो गरबा में एकदम माहिर है ना? और अब भूल गए क्या, नवरात्रि में गरबा आप ही शुरू कर दी थी और खत्म भी आप ही करती थी। अच्छा, मुझे अभी गरबा करके दिखाइए ना। गरबा? सगर, सगर, मैंने पहले ही कहा था मैं ये मासी वासी नहीं बनूंगी, और इसमें अब ये गरबा।
मॉम आई एम सॉरी बट सोनिया भाभी को तो 50 साल की मौसी नहीं बना सकते थे ना, इसलिए ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और हमें जल्द से जल्द प्रेसिडेंट जी के फार्म हाउस पे जाना है, इसलिए भी कर रही हूँ। ओके आई लव यू मॉम, आई लव यू बट टुडे आई हेट यू। गरबा हाँ मकर 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 करके थक गए। वही बेटा, नो नो नो, आया कुछ याद आया? मम आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि हमें मही को खुश रखना है। मम मम सो हाँ तो खुश रखना है तो और कितना नाचो। बापूजी बोले ना अब कहाँ चले गए थे? मैं सागर भैया कहाँ गए थे? मोना कुछ भी बोल दो मही को कुछ याद नहीं है। मैं अमेरिका गया था फायर ऑफिस का धनिया लाने। क्या बकवास कर रहे हो? सागर भैया ने बोला जो मन करे बोल दो। अरे लेकिन कुछ हजम हो ऐसे तो बोलो। 5 रुपए का धनिया लाने के लिए अमेरिका? 10 रुपए बोल दो। ओके ओके तो मैं 10 रुपए का धनिया लाने अमेरिका गया था। दीदी आप बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल श्रीदेवी जैसी लग रही हो। शुन 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 शुन। मैं श्रीदेवी और मुझे पता भी नहीं है। महाराज जी मुझे बहुत भूख लगी है, मस्त तबला तोड़ खाना बनाइए, कुछ एकदम टेस्ट ना पड़ जाए ऐसा खाना बनाइए, बहुत भूख लगी है। अरे देवी जी ऐसा खाना खिलाएंगे ऐसा खाना कि आप धन्यवाद करते करते थक जाएंगी। बनाओ बनाओ सागर बेटा खाना बनाओ। मुझे तो बहुत कह रहे थे मम्मा नाचो गरबा करो, बनाओ अभी। सागर बेटा कुछ भी करो लेकिन इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करो, हमें किसी भी हालत में फार्म हाउस पहुंचना है। देवी जी कुछ याद आ रहा है? हाँ? सागर लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मही ये सब नाटक कर रही है, उसकी कोई याददाश्त वाददाश्त नहीं गई। नहीं मॉम मही ऐसा नहीं करेगी। तुम्हारी मही का कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी मैंने उसे होली का त्योहार मनाने के लिए मना किया था, इसलिए शायद वो नाटक कर रही हो। लेकिन मैं अपना फार्म हाउस पे जाने का प्रोग्राम किसी भी हालत में कैंसिल नहीं करूंगी, मैं वहां पे जाकर ही रहूंगी। मॉम मुझे मही की बहुत चिंता हो रही है। वो मही की याददाश्त वापस आ जाए हम और क्या कर सकते हैं? और क्या करें बेटा, ऑलरेडी इतना सब कुछ तो हम कर रहे हैं ना। वैसे मैं बिल्कुल नहीं मानती कि उसकी याददाश्त गई है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बस नाटक कर रही है, फिर भी हम सब इतना कर रहे हैं। देखो तुम महाराज बने हो, मैं शांता मासी बनी हूँ मैं। हाँ वो तो है। देवी जी कुछ नहीं, वो कल हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, उसी सिलसिले में हम शांता मौसी से थोड़ी वार्तालाप कर रहे थे। ये घूमने जा रहे हैं? हाँ। आए हाय देसरा पड़ी के बापू, शांता मौसी। हाँ मैं शांता मौसी। सुकोच इसी बात पर हो जाए। क्या? अलेले गरबा। अरे ये कितना गरबा कराएगी, दिन में बार बार नचा रही है। नहीं नहीं बेटा ओके, हम सिर्फ नवरात्रि में गरबा करते हैं, और अभी क्या शांता मासी की उम्र हो गई। उम्र मुख कर बात को बाजू मां मुंह को, चलो चलो हो जाए हो जाए गरबा। ए हेलो शांता
बजे घर गए समझ की उम्र हो गई है ना। उम्र। अच्छा महाराज बहुत भूख लगी है, मस्त वाला खाना बनाइए। देवी जी वही करने जा रहे हैं। शतवासी खाने के बाद फिर से गर्मा करेंगे। अरे ये तेरी बीवी मुझे नचा नचा के मेरा ये घुटने की हड्डी तोड़ देगी। कितना बार बार गर्भा। मामा आपको याद है ना वो डॉक्टर ने क्या कहा था, अगर हम मही को खुश रखेंगे ना तो शायद दो तीन दिन में उसकी याददाश्त। हाँ तो खुश रख रहे ना और क्या करे, कितना गर्भा करूँ मैं पूरा दिन। अम्बी माँ मही आपकी रोज पूजा करती है, प्लीज प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। मैं हूँ ना। बोलो भाई जल्दी करो जल्दी। सॉरी सॉरी गलती हो गई। महाराज आटा है। आटा तुमको रोटी बनाने आता है? रोज रोज ज्यादा रोटी बनाता है, रोटी फेंकना पड़ता है, है? मालूम? जी मालिक। कमाल है बापूजी, आज आप रसोई घर में? तो क्या हुआ मही भौजी? हाय हाय, आप मुझे भौजी कह रहे हो बापूजी? हाय हाय भौजी, आप हमें बापू कह रही हैं? अरे आप मेरे बापूजी हो तो बापूजी बोलोगे ना बापूजी? अरे अब इन दोनों बिना याददाश्त वालों को कैसे संभालूं? सागर भैया कैसन होलिया बनाया है, एकदम लल्लन टॉप बनारसी बाबू, ये कैसन चोटी? अरे भौजी ने खाना बनाने का नौकरी दे दिया है का? अरे बापूजी आप मुझे भौजी क्यों बोल रहे हो बार बार? क्योंकि आप हमारी भौजी हो तो भौजी ही बोलेंगे ना भौजी जी। एक मिनट देवी जी, हुआ ये है कि हम इनसे बहुत बतिया रहे थे ना तो हमारी बातों का थोड़ा असर हो गया है, तो आप अपने कमरे में जाइए, हम इन्हें समझा देते हैं, आपको फिर कभी भौजी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। आप जाइए, हम खाना लेके आते हैं। प्यार से समझाना है मेरे बापूजी को। हो क्या बापू को? सागर भैया क्या समझाना है हमको? समझाता हूँ आपको बड़े आराम से। अरे खाना बनाओ। हाँ, और बोलना नहीं सिर्फ खाना बना, आवाज कम। अरे ककड़ी काटे टमाटर काटे, हाँ काटे लाल चकुंदर, मजा आ जाए जब जाए पेट के अंदर यार राजा। खटर 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 खटर। बापूजी आप काम कर रहे हो और ये महाराज एकदम ऐसे टेस्ट से बैठे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। बेटा मैंने महाराज को कहा कि आज मैं सलाद काट देता हूँ। हाँ, और हमने मालिक से कहा कि हम आपके बदले आपकी किताब पढ़ देते हैं। वैसे आप कहाँ गई थी देवी जी? महाराज वो बाहर घूमने गई थी। बेटा ऐसे बाहर घूमने नहीं जाते। हाँ मैंने ही कहा था कि बाहर घूम के आओ। देवी जी सलाद। हाँ सोनिया भाभी आपको पता है ना मही को अकेले बाहर जाने नहीं दे सकती, उसकी याददाश्त जा चुकी है, गुम हो जाती तो? मैंने चिट्ठी दी थी। क्या लिखा था चिट्ठी में? यही कि जिसे ये लड़की मिले इसे इसके घर पे छोड़ देना। बस इतना ही, एड्रेस नहीं लिखा? छोड़ने आने वाले का एड्रेस मुझे नहीं पता था सागर भैया। आपको पता है ना इसे अपने घर का एड्रेस और रास्ता नहीं पता है, ये घर वापस कैसे आती? अरे महाराज आप क्यों डांटता है? Why are you shouting? अगर मैं आपके बदले आपकी किताब पढ़ सकता हूँ तो थोड़ा डांट भी सकता हूँ। उड़ी बाबा। बराबर बराबर। ऐसे काम करते रहे तो मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा। और सागर भैया हमारी पगार भी तो बढ़ाई दो। फोकस फोकस बाप। ओ ओके। और कुछ कहना है हमारे बदले हमारी बेटी को? बहुत जरूरी बात कहना है और वो ये कि कल हम सब बाहर घूमने जाएंगे, इसलिए आज घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। ओके ओके। तो बेटा समझ में आया महाराज ने क्या कहा? हाँ बापूजी, लेकिन ये कल कब आएगा? बेटा अमेरिका होता तो कल
आज ही आ जाता, पर ये इंडिया है तो शायद कल आ जाए। ठीक है देवी जी, कल ही आएगा, लेकिन आज अभी हम आप सबको खाना खिलाएंगे। पता है हमने आपकी मनपसंद तरकारी बनाई है, खाना लगाते हैं। बेबली क्या कर रही है? अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना लगा रही है? बेबली देख ना मेरी तरफ, ऐसा क्यों कर रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये लाइट की स्विच किसने ऑन रखी? अनसुया ये ऑन बटन को देखेगी तो आंख खोल के बोलेगी, अरे ये बटन किसने ऑन रखा, इसकी वजह से मेरा लाइट का बिल कितना ज्यादा आएगा। मैं बटन ऑफ कर देती हूँ। दादी साहब, दादी साहब, छोड़िए हाथ, निकालिए वहाँ से, मैं छू भी नहीं सकती आपको, आपको कुछ हुआ नहीं, दादी साहब निकालिए हाथ, दादी साहब। क्या बोली तू? दादी साहब, हाँ? आत्मा को पहचानती है ना? क्यों किया ये नाटक, क्यों किया मेरे साथ? तू क्या मुझे अनुसूया समझती है? क्या दादी सास, आप भी पचका कर दिया ना मेरा। अरे पापा, अभी आपको झटका लग जाता तो? बेटा, आत्मा को कभी झटका लगता नहीं है, आत्मा झटका देती है, जैसे मैंने तुझे दिया। अब बता क्यों किया ये नाटक, होली नहीं मनानी है तुझे? अरे दादी सास, होली मनानी है इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ। अभी तो बस ये शुरुआत है, असली मजा तो कल आने वाला है। हाय हाय, कल होगी सुपर डुपर होली का कार्यक्रम। बेबली, तू जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं, बहुत जिद्दी है, होली मना के ही छोड़ेगी है। हंस दो। अरे बचपन में मैं तो एकदम